भाई नमस्कार, नमस्कार ऑल ऑफ यू नमस्कार एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ माँ भारती विजन 2025। और वो विषय है कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है इंडिया में और दूसरा पब्लिक सेक्टर है विच इज क्वाइट हैवी आल्सो, तो हमको ये थोड़ा सा डिसाइफर करना है लोगों के लिए कि भाई सबसे पहले तो बेसिक्स पे जाओ कि इन दोनों का मतलब क्या है। आप कॉर्पोरेट में सबके साथ रह चुके हैं, पब्लिक सेक्टर में भी रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी रहे हैं। मैंने भी थोड़ा बहुत इंडिया का प्राइवेट सेक्टर देखा है, बट आई हैव लिव्ड माय वर्किंग लाइफ मोस्टली हैज बीन इन डेनमार्क। तो मैंने बाहर के देशों में भी देखा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो प्राइवेट ही था मोस्टली, बट आई हैव सीन सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑल्सो एंड दोज वर ड्यूरिंग द कम्युनिज्म, जो कम्युनिस्ट जो कंट्रीज थे उस टाइम, तो उसका भी मेरे को थोड़ा सा टेस्ट मिला है। तो इसी चीजों को हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि क्योंकि हमारे जो पैनलिस्ट हैं, पहले मैं वो उनको इंट्रोड्यूस कर दूं। हमारे सबसे पहले पैनलिस्ट जो हैं वो हैं मिस्टर डीएम गुप्ता, ये अपना इंट्रोडक्शन खुद दे देंगे। काफी इन्होंने अपने फील्ड में काफी अच्छी तरक्की करी है एंड इज रिटायर्ड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज and chairman and aur wo thoda sa aapko and he is actually as a panelist taking the view of balance, uska matlab ye hai ki ye jo hai dono taraf ke bare mein baat charcha karenge, public sector ke bare mein bhi aur private sector ke bare mein bhi. uske baad aate hain hamare shriman sudhir sinha sahab, वो जो है पब्लिक सेक्टर के फेवर में जो है अपने आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे इस पैनल में, और वो भी अपनी फील्ड में एज ए चीफ इंजीनियर रिटायर हुए थे पीडब्ल्यूडी से, तो वो भी काफी जानी मानी हस्ती हैं। उसके बाद जो है हमारे एक बड़े यूनिक इसमें गेस्ट हैं पैनलिस्ट में, उनका नाम है प्रवीण तिवारी। ये जो है यहाँ से पास आउट करके आफ्टर फ्यू ईयर्स वो अपना खुद इंट्रोडक्शन दे देंगे, वो चले गए यूनाइटेड स्टेट्स। और यूनाइटेड स्टेट्स जो है जैसे हम सबको पता है दैट इज द गढ़ ऑफ कैपिटलिज्म, दैट मींस कि वहां सिर्फ प्राइवेट एंटरप्राइज है, वहां पे कोई भी पब्लिक अंडरटेकिंग नहीं है। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स निकाल दीजिए आप, वो दे आर नॉट एग्जैक्टली द कॉर्पोरेट्स, बट तो वो जो है आपको अपनी तरफ से प्राइवेट एंटरप्राइज का आर्ग्यूमेंट रखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द डिबेट and let me welcome you all three of the very very qualified and attained panelists jinhone apni field mein bahut kuch kiya hai, aur main darshakon ko ye bhi bata dun ki hum sab ke sab jo hain engineers hain aur humne Roorkee se engineering kari thi, hum log sab batchmates hain from 1973, aur hum log jo hain mere hisab se jo mere teen panelists hain unko main qualified enough samajhta hu ki wo jo hain इस मुद्दे पे बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डालेंगे, समझाएंगे सबको, ताकि सब जो हमारे जो ऑडियंस है उनको समझ में आएगा कि भाई ये दो जो सेक्टर्स हैं इनमें क्या क्या किन की क्या खूबियां हैं, किन क्या क्या खामियां हैं, और इसमें जो ब्रिज है जो हमारी जनता में, हमारे क्या कहते हैं परसेप्शन में, हमारी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं उनमें इसका तालमेल कैसे बैठ, तो ये जो है हमारा इसमें मुद्दा है। सो वेलकम यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस डिबेट। सो लेट मी स्टार्ट विद मिस्टर डीएम गुप्ता। मिस्टर कॉल जस्ट आई वुड लाइक टू ऐड बिकॉज आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय व्यूज ऑन बोथ साइड्स, तो लेट मी आल्सो शेयर विद द व्यूअर्स कि मैं 37 इयर्स तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम किया है, उसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट मैं IIITs में 6 साल तक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर रहा हूं, और इवन आज की तारीख में भी मैं ITBHU मैं जो इंटरडिसिप्लिनरी टेक्नोलॉजी हब है उसका डायरेक्टर हूं। इसके साथ साथ
मैं 3 साल तक पोस्ट रिटायरमेंट एसआर स्टील जो हजीरा में 10 मिलियन टन पर एनम का प्लांट है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की हैसियत से रहा हूं, और 1 साल मैंने लॉयड इंजीनियरिंग जो एयर कंडीशनिंग एक्सपर्ट है दिल्ली में उनके यहां भी मैं डायरेक्टर रहा हूं। तो इसलिए मैंने व्यू जो है प्राइवेट सेक्टर को भी नजदीक से हालांकि टॉप से देखा है लेकिन टॉप से ओवरव्यू तो मिला ही है मुझे निश्चित रूप से। दैट इज व्हाई आई वेंचर टू टॉक ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, वेरी गुड। तो ये तो मैं यही मेरा अगला जो क्वेश्चन यही था आपसे कि आप जो है अपना इंट्रोडक्शन दे दें। अब आई थिंक नेक्स्ट आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर सुधीर सिन्हा टू मेक हिज इंट्रोडक्शन प्लीज। मुझे भी सिर्फ यही कहना है कि लगभग 38 साल मैंने सेवा की है, रुड़की से ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स की, उसके बाद 1 साल प्राइवेट में भी काम किया, फिर 6 साल एक पीएसयू में काम किया, फिर 13 साल दूसरे पीएसयू में काम किया, और अल्टीमेटली पीडब्ल्यूडी से प्योर सरकारी महकमे से एज चीफ इंजीनियर रिटायर हुआ। उसके बाद इसी चिंतन मंथन में लगे रहते हैं कि कहाँ और कैसे आगे वाली जनरेशन की हेल्प हो सके जो हम नहीं कर पाए अगली जनरेशन। वो सुधीर साहब उस पे हम बाद में आएंगे, पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। वी विल कम टू द सब्जेक्ट लेटर। सो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर प्रवीण तिवारी टू मेक हिज इंट्रोडक्शन प्लीज। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके जैसे आप लोग हैं, मैंने भी ज्वाइन करा था रुड़की सिंस 1969 एंड ग्रेजुएटेड इन 1973। सो एंड आई डिड इन इलेक्ट्रिकल। आफ्टर दैट व्हाइल आई वाज स्टिल इन रुड़की इन 1973 आई गॉट एम्प्लॉयमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम with J Engineering, a DCM group basically, and this is a private company, and I worked there for 4 years. 4 years after that, I had a flavor of what private industry was in India. I decided that I will do my master's. I did my master's from NITI Bombay, that is National Institute for Technology in Industrial Engineering. And I did master's over there for spending 2 years. After that, I decided that I must get into private sector and see the other part of private sector. So I joined General Electric Company. I worked there in Allahabad as well as in Delhi. My stint in working in India, it was about 17 years. And after that, I went to US. I got selected over there and I was interviewed and I went as H-1B, which is a highly, you know, educated person, because I had done my master's, then I had done my MBA also. So I went over there and worked there in US for almost 21 years. My total working experience is about 45 years now. So I have between India and US. And I have had best of both the worlds, I must say. So God has been kind. So, and I think I'm very, very pleased. Okay, with that note, thank you very much. मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे दूं कि भाई मैंने इतनी तोपे तो नहीं दागी हैं जैसे कि आप लोगों ने दागी हैं। सबने किसी ने मास्टर्स किया, कोई डायरेक्टर जनरल बन गया, कोई चीफ इंजीनियर बन गया। मैं तो साहब बिल्कुल छोटा सा एक आदमी रहा और अपनी करियर में कोई खास मैंने कुछ नहीं किया है। तो मेरा जो था कि जैसे आप लोगों ने किया 73 में इंजीनियरिंग करी, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने लार्सन एंड टूब्रो में काम किया कोई 3-3.5 साल
एंड 1976 आई माइग्रेटेड टू डेनमार्क। डेनमार्क में मैंने वहां पे एक फाउंड्री में काम किया सात आठ साल, और उसके बाद जो है फिर मैं वहां पे एक कंपनी कॉल्ड डीसा, वहां पे जाके मैं आई वाज एम्प्लॉयड एज ए टेक्निकल कंसल्टेंट, जो कि बाद में विच बिकेम टेक्नो मैनेजमेंट कंसल्टेंट। एंड उसके रहते हुए मैंने करीब कोई 40 से ज़्यादा कंट्रीज जो है ट्रैवल किया एंड रिपीटेडली, एंड आई गेव माय एडवाइस टू माय यू नो क्लाइंट्स एंड द पोटेंशियल क्लाइंट्स आल्सो। और उसमें जो है मेरे को ये लक था कि बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग टू सो मेनी कंट्रीज रिपीटेडली, तो वहाँ का मैंने कल्चर का भी, उनके पॉलिटिकल सिस्टम का, वो सब मैंने अध्ययन किया। उस पर बहुत कुछ उल्लेख पढ़े, किताबें पढ़ी, तो उससे मेरे को थोड़ा सा अच्छा मेरे को लगा कि भाई जो कई चीज़ों में जो है लोग डिफरेंट कंट्रीज में बिल्कुल फ़र्क है, लेकिन कई बेसिक ट्रेट्स में लोग बिल्कुल सेम हैं, चाहे वो इंडिया हो, जापान हो, या यूनाइटेड स्टेट्स हो, या टिम्बकटू हो, पीपल आर यू नो इन मैनी वेज बेसिकली सेम, बट इन लॉट ऑफ पेरिफेरल जो जो ट्रेड्स होते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस है। तो ये तो मेरा वो रहा। तो सबसे पहले मैं फिर से डीएम गुप्ता साहब के पास जाऊँगा और उनसे पहला प्रश्न ये करूँगा कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज कि भाई प्राइवेट सेक्टर क्या है और पब्लिक सेक्टर क्या है। मुझे पता है कि हम चारों को तो पता है कि भाई वो क्या है, लेकिन जो हमारी ऑडियंस है उनको जो है क्लियर कट आइडिया हो जाना चाहिए कि भाई ये दोनों चीजें किस जानवर का नाम है। प्लीज डीएम गुप्ता साहब। ठीक है, देखिए मैं सिंपल शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि पब्लिक सेक्टर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का वो पार्ट है जिसका ओनर गवर्नमेंट है, कंट्रोलर गवर्नमेंट है, और उसको ऑपरेट भी गवर्नमेंट ही करती है। इसके कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर का ओनर कोई प्राइवेट एंटिटी है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है, शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, और वही उसको कंट्रोल करते हैं और वही अपने हिसाब से लोगों को सेलेक्ट करते हैं जो उनको चलाते हैं। तो बेसिक डिफरेंस ये है। और होता क्या है कि जिसका मार्केट अच्छा है वो प्रोडक्ट तो प्राइवेट सेक्टर वाला आराम से बनाएगा, लेकिन किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ऐसी चीज़ें भी जरूरी हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे है, डिफेंस है, उसमें प्रॉफिट भले कम हो ज़्यादा हो अगर उसकी आवश्यकता है तो है, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर भी निहायत ही ज़रूरी है। तो बेसिक अंतर यही है कि जिसको गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और ऑपरेट करती है वो पब्लिक सेक्टर है, और नहीं तो जो अगर प्राइवेट है या ग्रुप ऑफ पर्सन प्राइवेटली है वो प्राइवेट सेक्टर है। और गवर्नमेंट सेक्टर की जब मैं बात करता हूँ उसके अंदर प्योरली गवर्नमेंट सेक्टर भी है, जैसे रेलवेज है, जैसे आर्म फोर्सेस है, और उसके साथ साथ जो कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी जिसे हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं पीएसयू, वो है, वो कंपनी एक्ट के आधार पर चलती है। उसके उसमें एक एडवांटेज ये है कि अगर किसी समय गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट करना चाहे तो पब्लिक भी उसकी शेयर होल्डर बन सकती है, लेकिन मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग सरकार की ही होगी। अगर नहीं होगी तो फिर वो पब्लिक सेक्टर नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक दो चीज और जोड़ना चाहूंगा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस स्पेशली प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन, बीच की भी हो सकती है, एंड सिमिलरली हेल्थ केयर सिस्टम, ये भी मोस्टली पब्लिक सेक्टर में होना इसलिए जरूरी है, और हिंदुस्तान में दोनों है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, पब्लिक सेक्टर में भी है, इसलिए जरूरी है ताकि जिन एरियाज में प्रॉफिट नहीं है उन एरियाज में भी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देनी है, लोगों को शिक्षा देनी है, तो सरकार को उसमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ओके, मेरी तरफ से ये होता है, कोई सवाल है तो मैं जरूर जवाब दूंगा। तो ये आपने बड़ा अच्छा, बड़े खुले तरीके से, बड़े आराम से जो है हर एक के समझ में आने वाली आपने एक्सप्लेनेशन दी। अब जो है मैं क्या कहते हैं मिस्टर सिन्हा की तरफ जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि ये जो डेफिनेशन जो डीएम साहब ने दी है, इस डेफिनेशन से आप एग्री करते हैं या इसमें आप कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना चाहेंगे?
मेरा मानना है कि गुप्ता साहब ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बहुत क्लैरिटी के साथ बता दिया है, और इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं किसी भी तरह की। ठीक है, ओके, थैंक यू। तिवारी साहब, आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि जो इन्होंने प्राइवेट के बारे में कहा कि आप उससे सहमत हैं या उससे आप में भी कोई इसमें कोई टिप्पणी, कोई एडिशन या कोई सब्ट्रैक्शन करना चाहेंगे? और एक चीज और तिवारी साहब, कृपया करके, अगर मुझे पता है आप यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं तो आपकी इंग्लिश जो है बहुत अच्छी है, और शायद हिंदी इंग्लिश में आप शायद ज्यादा कंफर्टेबल होंगे बोलने के लिए, आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे जरा हिंदी जरा ज्यादा बोले ताकि हमारे ऑडियंस जो है उनको थोड़ा सा ज्यादा इसमें जुड़े रहने की क्या कहते हैं संभावना बढ़ जाएगी। जरूर साहब, मेरी मदर टंग जो है वो हिंदी ही है और वो हिंदी ही रहेगी, ऐसी बात नहीं है। हिंदी में लिखता पढ़ता समझता सब हूँ बिल्कुल, तो उसमें से है। मैं भी डीएम साहब से बिल्कुल सहमत हूँ, मगर थोड़ा ब्रॉडली भी इसको डिफाइन करा जा सकता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो है उसमें जिसमें कि जो भी काम हो रहा है उसमें गवर्नमेंट इज नॉट इन्वॉल्व। गवर्नमेंट इज ए की फैक्टर बिकॉज दैट डिसाइड्स वेदर इट्स गोइंग टू बी ए पब्लिक सेक्टर और इट्स गोइंग टू बी ए प्राइवेट सेक्टर। एनीथिंग दैट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जो जो भी चीज, जो भी इंडस्ट्री है जो कि गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट होती हैं, उसमें जो है कि ये है कि उसमें फिर प्राइवेट एलिमेंट बड़ा कम हो जाता है अगर होता है, क्योंकि जॉइंट भी तो हो सकती हैं ये, कि उसमें जो है आपका पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जॉइंट होता है, जैसे कुछ रेलवेज वगैरह में, और कुछ देर आर सम अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो वेयर दे हैव टू वर्क जॉइंटली। That is वो है called PPP model in India. Public private projects, PPP model. They are there in industry, they are there even in educational institutions and medical institutions. In India, we call them PPP model. ठीक है, तो अब मैं जो हूँ नेक्स्ट, जो मेरा जो एक मैं थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पल से शुरू करूंगा, एंड अभी तक तो हमारी सहमति रही है, लेकिन अब जो मैं एग्जाम्पल लूंगा उसमें मैं चाहता क्या हूँ, मेरे ख्याल ऑटोमेटिकली हमारी जो है थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ेगा और उसमें जो है बड़ा अच्छा एक क्या कहते हैं डिस्कशन उससे उत्पादित होगा। जो एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूं वह है एयर इंडिया का। एयर इंडिया हैज बीन ब्लीडिंग लाइक क्रेजी फॉर इयर्स एंड इयर्स टुगेदर। इयर्स का तो छोड़ दीजिए, डेकेड से इट हैज बीन लूजिंग मनी, इट हैज बीन लूजिंग मनी, इट हैज बीन लूजिंग मनी। पहले इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया वर टू सेपरेट एंटिटीज। इंडियन एयरलाइंस जो थी वो सिर्फ डोमेस्टिक के लिए थी, एयर इंडिया जो थी वो आपकी इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए थी, एंड इंडियन एयरलाइंस वॉज ए डोमिनेटिंग पार्ट ऑफ डोमेस्टिक सर्विसेज, वेयर एज एयर इंडिया जो है वॉज लूजिंग मनी लाइक क्रेजी। इंडियन एयरलाइंस वॉज मेकिंग मनी एंड दे वर डूइंग प्रीटी वेल, बट एयर इंडिया वॉज लूजिंग मनी रिपीटेडली। सो द गवर्नमेंट, द देन गवर्नमेंट, वो दे द डिसीजन दे टुक वॉज टू मर्ज देम टुगेदर, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। क्योंकि खैर अब वो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत लंबा फिर वो केस हिस्ट्री हो जाएगी। जो कहने का तात्पर्य ये है कि जो मिसमैनेजमेंट था जो लेटर ऑन जो एयर इंडिया बनी उसकी वजह से उसमें जो है इनएफिशिएंसीज थी, उसमें लोग आज जो काम नहीं कर रहे थे, द द द पायलट्स वर नॉट परफॉर्मिंग वेल, द एयरलाइन स्टाफ दे वर नॉट बदर्ड अबाउट कस्टमर्स। हमने कई बार कंप्लेन देखी, मैंने खुद ट्रैवल किया है एयर इंडिया में और मैंने खुद देखा है कि सर्विसेज वर नॉट वेरी गुड, द एटीट्यूड ऑफ द क्रू वाज नॉट वेरी गुड, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो एक एग्जांपल मैंने ली है इसीलिए ली है क्योंकि ये एग्जांपल हम लोग सब अखबार पढ़ते हैं, हम लोग सब न्यूज के साथ जो है जुड़े रहते हैं,
और ये न्यूज तो हमने सुनी है कि फॉर 2-3 डेकेड्स इसमें एयर इंडिया जो ये कॉन्स्टेलेशन था एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का, इट हैज रियली रियली ब्लेड लाइक क्रेजी। और जो डीएम साहब ने बोला कि भाई गवर्नमेंट की जो जो कंपनी ओन्ड है वो गवर्नमेंट चलाती है एंड टू बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज आई एम श्योर, द क्वेश्चन इज दैट अल्टीमेटली व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज एक्चुअली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पब्लिक एंड बाय द पब्लिक, राइट? और ये जो मनी जो ये ब्लड होता है या जो भी गवर्नमेंट उसमें सेक्टर में जो यूज होता है वो सब टैक्स पेयर का मनी। सो अर्गो जो एयर इंडिया में जो लॉसेज हो रहे थे, who were bearing those losses? Those were the taxpayers, payers like you, me, and all of you put together. And there are so many crores of other people who are paying taxes. So, ये जो एक anomaly आ जाती है कि public sector में एक क्या कहना चाहिए एक inbuilt जो ये आ जाता है एक attitude कि भाई ये तो government के पैसा है, तो ठीक है ये हो जाएगा ठीक अपने आप हम कुछ कर लेंगे थोड़ा इधर उधर मिला लेंगे ये करके। वेयर इज इन प्राइवेट सेक्टर वहां पे डंडा जो है कॉन्स्टेंट रहता है कि भाई अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो भैया आपको सीधा दरवाजा दिखा दिया जाएगा। तो ये मैं बड़े क्लियर शब्द में इस चीज को मैं यूज कर रहा हूँ। तो इस पे मैं सबसे पहले जो है क्या कहते हैं सिन्हा साहब से बात करूंगा कि इस पे आपके क्या व्यूज हैं, दो एक्सट्रीम्स प्राइवेट और उसमें ये प्राइवेट और पब्लिक, पब्लिक सेक्टर में जो है काफी इनफिशिएंसीज होती है इनबिल्ट और प्राइवेट में जो है डंडा होता है, सो प्रोबेबली पीपल आर मोर डिसिप्लिन्ड। प्लीज इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें कोशिश। देखिए इसमें मुझे कुछ बातें कहनी है। परफॉर्मेंस तो प्राइवेट की भी खराब हो सकती है और पब्लिक सेक्टर्स की भी खराब हो सकती है, ज्यादा हो सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक सेक्टर इतना विजिलेंट नहीं हो सकता। मुझे ये लगता है कि जो गारंटी और सिक्योरिटी जो वो समझते हैं सरकारी नौकरी में या पब्लिक सेक्टर में, वो एक मिथिक है, उसको तोड़ना पड़ेगा। और मुझे ये लगता है कि सरकार में जैसे डीएम गुप्ता साहब हैं डायरेक्टर जनरल तक पहुंचे तो अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस मिलते हैं हमको, और प्राइवेट में क्योंकि पैसा देखिए बड़ी कंपनियों के पास होता है और आज की तारीख में गलत लोगों के पास ज्यादा पैसा है। सरकारी पैसे से धंधा करना आसान है, सरकारी कंपनी को एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट करना आसान है, एक छोटे से स्टार्टअप को शुरू करके 1-2 करोड़ की कंपनी अडानी अंबानी से कम्पीट नहीं कर सकती हैं। मुझे ये लगता है कि 50-50 का बैलेंस जरूरी है, और डीएम गुप्ता साहब जैसे और अनेकों लोग जो पूरे उत्साह से भरे हुए हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए कि वो अडानी से टक्कर ले सकें, अंबानी से टक्कर ले सकें, टाटा से टक्कर ले सकें। और अगर हम अपनी सरकारी क्षेत्र की कुछ कमियों को दूर कर सकें तो ये बहुत कुछ संभव है। When there is a will, there is a way। तिवारी साहब आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये है कि फिलॉसफी ही बिल्कुल फर्क होती है जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में आपको कभी कभी देखने को मिलती है। देखिए मेरा मानना यह है कि पहले से मैं 2 मिनट एयर इंडिया में क्या हुआ ये बात करता हूँ। एयर इंडिया तब तक ठीक ठाक चल रही थी और उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं था। जब से एयर सर्विसेज को प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन के लिए खोल दिया गया उसके बाद से मुझे याद है 90s में हम सरकारी अफसर होने के नाते एयर इंडिया से ट्रेवल करते थे और दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से बॉम्बे का टिकट 20,000 रुपये का आता था। ऑब्वियसली 20,000 रुपये का एक आदमी का टिकट देंगे तो वो कोई प्रॉफिट आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही कंपटीशन आया तो धीरे धीरे इनको टिकट के प्राइस कम करने पड़े और उनका मार्केट शेयर कम होता गया। लेकिन उन्होंने अपने में बदलाव नहीं किए जो उनके सिस्टम्स वगैरह चल रहे थे, इसलिए ये हुआ। तो मैं कई सारी
गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियों को देखने के बाद कुछ निचोड़ निकाल के लाया हूं और वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि नॉर्मली जो पब्लिक सेक्टर है उसकी एफिशिएंसी कम क्यों होती है, उनके एम्प्लॉय जो हैं वो कम काबिल नहीं हैं, इनफैक्ट प्रोफेशनली दे आर मोर क्वालिफाइड देन दोज इन द प्राइवेट सेक्टर, ऐसा मेरा मैंने ऐसा पाया है, लेकिन फिर भी उनका आउटपुट उनके बराबर कहीं नहीं हो पाता। तो कुछ पांच छह इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे 40-45 साल के तजुर्बे में नोटिस में आए हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और जनरल पब्लिक जो सुन रही है उनके सामने भी रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि पब्लिक सेक्टर में चूंकि पब्लिक मनी लगी हुई है, इसलिए पब्लिक मनी लगी होने के नाते इसका फोकस रहता है रूल्स पर रादर देन रिजल्ट, क्योंकि हर चीज रूल से होनी चाहिए। तो जब आप वर्क टू रूल करते हैं, आपने देखा होगा कि बैंक में किसी काम से जाते हैं तो काम नहीं होता, बहुत देर लग रही है, बोले क्या हो रहा भाई बैंक में, क्यों काम नहीं हो रहा, बोलते हैं वर्क टू रूल चल रहा है। तो वर्क टू, अगर रूल सही है तो वर्क टू रूल काम के रुकावट क्यों बनता है? अगर रूल सही है इसके माने रूल गाइडेंस के लिए है, उनके अंदर जो निहित भावना है उससे काम करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉय है या एग्जीक्यूटिव है वो रूल का लकीर का फकीर होकर काम करना चाहता है। अब सवाल है ऐसा क्यों करता है वो? उसका कारण यह है कि जो 3 C हिंदुस्तान ने उनके पीछे लगा रखे हैं, एक पब्लिक सेक्टर के पीछे, एक है CVC, दूसरा है CBI, तीसरा है ICI, कमिश्नर ऑफ विजिलेंस CVC, उसके बाद CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और तीसरा है इंडियन कमीशन फॉर इंफॉर्मेशन जो RTI एक्ट के अंदर आता है। तो इसमें जो लोग बैठे हैं उनको इंडस्ट्री का या पब्लिक सेक्टर में काम करने का तजुर्बा लगभग नहीं है जैसा मैंने पाया है। तो वो सिर्फ लकीर के फकीर हैं, वो सिर्फ रूल पकड़ते हैं और उसमें निहित भावना को नहीं देखते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि CVC के मैनुअल में ये लिखा है, क्या लिखा है कि अगर आपने जो लेट डाउन प्रोसीजर से जरा भी डेविएट किया और उससे सरकार को कोई नुकसान भी नहीं हुआ तो भी आपके ऊपर एक्शन होगी क्योंकि आपने रूल से डेविएट किया। तो रूल गाइडेंस के लिए होने चाहिए, लेकिन पब्लिक मनी इन्वॉल्व होने के कारण और ये जो सिस्टम है कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे ये लाएंगे, उसकी वजह से क्या होता है कि अफसर जो है स्पेशली हायर लेवल में वो डिसीजन लेने से कतराते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि वह तो डिले करते हैं या फिर लेते ही नहीं है। मैं तो एक ऐसे साहब को भी जानता हूं, जब डिसीजन लेने का दिन होता था तो उस दिन वो टेम्परेरी ड्यूटी पे नहीं चले जाते थे, कोई दूसरा लेगा भाई मैं नहीं लूंगा। एक तो ये कारण है। दूसरा बड़ा कारण है कि मेरिट इज नॉट द ओनली कंसिडरेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड देयर एलिवेशन। बहुत सारे पॉलिटिकल कारण है, उनको मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन जब तक मेरिट इज नॉट द ओनली सोल कंसिडरेशन तो स्टार परफॉर्मेंस नहीं आ सकती। ठीक है, दूसरा कारण यह है। तीसरा कारण भी मैं आपको बताना चाहता हूं। तीसरा कारण यह है कि जो पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर R&D पे एक्सपेंडिचर बहुत कम है, तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन तैयार नहीं होता। तो R&D अगर आप नहीं करोगे तो आपको चीजें उतनी आगे के लिए क्या होगा, आज तो आपने चाहे डिजाइन ले लिया, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ले लिया, बनाना शुरू कर दिया, तो आपका स्कोर कार्ड बैलेंस नहीं रहता। तो 5 साल तक आप बनाएंगे, उसके बाद उसकी जरूरत नहीं, R&D आपने की नहीं तो आपका मार्केट शेयर फिर कम होता चला जाएगा। और चौथा कारण है क्योंकि लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट देती है सरकार। दो ऐसे प्रावधान है सरकार में कि 50 साल की उम्र के बाद, 55 साल की उम्र के बाद आपकी समीक्षा की जाएगी कि आपका काम अच्छा नहीं है, निकाल देंगे। लेकिन निकालने की प्रक्रिया इतनी जटिल और रिस्की है कि मैं अपने पूरे कैरियर में 3 या 4 एम्प्लॉय को निकाल पाया जो कुछ भी नहीं करते थे और 55 साल 50 साल के हो गए थे। तो लिखा तो है किताब में कि निकाले जा सकते हैं, अब प्रेजेंट गवर्नमेंट ये कह रही है कि उसको थोड़ा और सख्त करेंगे। तो जब लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट की आपको गारंटी है तो ऑब्वियसली आदमी क्या है, फिर वो रिलैक्स हो जाता, फिर वो दौड़, मतलब कंपटीशन जरूरी है अगर आपको दौड़ में आगे जाना है। अगर एक ही बंदा दौड़ा, कोई कंपटीशन नहीं है, सरकार नॉमिनेशन पे आपको जॉब देती जा रही है, जैसे पहले सरकारी अफसर अप्लाई करेगा तो एयर इंडिया से ही करेगा और 20,000 उसका पर
सेक्टर का किराया था, जो मेट्रो के बीच में सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं तो। लेकिन जैसे ही एयर स्पेस खुल गया, प्राइवेट फ्लाइंग कंपनीज आ गई, तो उनको 5,000 का 6,000 का टिकट करना पड़ा, तो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो ये मुख्य कारण जो है, और वो किसी भी सेक्टर के लिए है, वो चाहे डिफेंस में हो, चाहे पावर जनरेशन में हो, चाहे इवन स्कूल से। अच्छा, आप कितना भी क्रिटिसाइज करें सरकार को, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट IIT, सबसे अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सबसे अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIMs, आप लाख गाली दो सरकार को, कुछ नहीं करती, बेकार है सब। लेकिन अभी भी क्योंकि सरकार के पास जो सुविधाएं दी जा सकती हैं, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट का एम है पैसा कमाना, अब उसको प्रॉफिट अर्न करना है, सरकार का एम वो नहीं है, इसलिए उसमें एक्सेल हो सकता है। एनीवे, ये मेरे हिसाब से मुख्य कारण है कि उनकी सब अब, कुछ होते हमारे जो कम क्यों है। हाँ, अब जो हमारे जो तिवारी साहब थे, वो तो लगता है उन्होंने शायद ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। कल नहीं, आ गए हम। हाँ जी, तो आप आप जो है, क्योंकि आप आए नहीं थे पहले, तो डीएम साहब ने थोड़ा फिल इन टाइम करने के लिए उन्होंने अपने व्यूज रखे, एंड ही हैड ए वेरी बैलेंस्ड व्यूज अबाउट PSU एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। तो आप अपना प्राइवेट एंटरप्राइज के बारे में जो आप कह रहे थे, जहां से आपने छोड़ा, उससे आगे प्लीज कंटिन्यू करिए। हाँ, मैं बताता हूँ, और मैंने अभी डीएम साहब के का भी सुना, उन्होंने जो पॉइंट्स कवर कर रहे हैं बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं और बहुत रेलेवेंट हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन वी आर हैविंग। तो उसमें से जो है कि आदमी को जो है, आई थिंक एम्प्लॉइज आल्सो नीड गाइडेंस। HR फंक्शन इज काइंड ऑफ either lacking or not given proper attention, क्योंकि आदमी जो है खाली पैसे से ही नहीं जीता है, उसको encouragement भी चाहता है बीच में, और कोई शाबाशी देने वाला भी हो, अगर कोई गलत हो तो ये बताने वाला भी हो, वो भी बहुत important aspect है इस जो है। और वो जो है वो उसमें private sector कैन रियली डू इट वेल। सो प्राइवेट सेक्टर में जो है एडवांटेज ये है कि वहाँ पर, जैसे DM भाई कह रहे थे कि आपको एक पर्सन को अगर निकालना है जिसने कि सालों साल अपना जो है एक्सपेक्टेशन को पूरा ही नहीं करा है, उसके लिए आपको बकायदा रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे बिफोर the person can be terminated. You have to waste so much time in addition to his not performing. And the buck stops with you. So what do you do? So private sector mein ye bada bahut benefit hai ki usme no nonsense wala attitude hai. Aapne ek bari warning di, uske baad dusri bari mein kaha to bhaiya aap dusri job dhoond lo, khatam, hum apna dekh lete hain, ab aadmi jo hamare liye better aadmi hai. So that flexibility is required. और वो flexibility से ये होता है कि थोड़ा डर भी बैठना लग जाता है लोगों के दिमाग में कि यार ये तो जा भी सकते हैं बिल्कुल, अगर हमने कुछ ठीक काम नहीं करा। सही बात। तो इसका मतलब, कहने का तात्पर्य ये है कि अभी तक जो मेरे को जो arguments मिले हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि जो प्राइवेट enterprises में जो एक क्या कहना चाहिए, जो ओनर की जो एक फीलिंग है towards the organization, वो नॉट ओनली ओनर हैज दैट, नॉट ओनली शेयर होल्डर्स और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, व्हाटएवर द टाइटल्स आर देयर, जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी एक तरीके से सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ ओनरशिप जो है कंपनी में होती है, जो कि पब्लिक सेक्टर में नहीं पाई जाती मोस्टली। और मैंने कई एग्जाम्पल्स देखी हैं कि जो लोग जो पब्लिक सेक्टर में है वो अपना इनिशिएटिव लेके कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन जैसे डीएम साहब कह रहे थे कि वो रूल बुक के चक्कर में दे हैव टू फॉलो सम प्रोटोकॉल्स, दे कैन नॉट यू नो गो अगेंस्ट द विल ऑफ द बॉस, उनको बॉस को उनको खुश रखना पड़ता है बिकॉज उनकी जो कॉन्फिडेंशियल CR जिसको बोलते हैं वेरी पॉपुलरली नोन, वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो उसमें गड़बड़ कर सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस टाइप की जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है,
PSUs में जो कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, इनको आप कैसे डिफेंड करेंगे सिन्हा साहब? मैं हाँ देखिए मैं अपने तजुर्बे सिन्हा साहब प्लीज डीएम डीएम आपको मैं बाद में बोलूंगा, पहले जरा सिन्हा साहब पीएसयू के बारे में जरा बता दें। देखिए जो कुछ डीएम गुप्ता साहब ने कहा मैं उससे 60-70% तो सहमत हो सकता हूँ। मैंने भी 6 साल एक पीएसयू में काम किया है, 13 साल दूसरे पीएसयू में काम किया है। मैं समझता हूँ अच्छा खासा फ्रीडम मिलता है काम करने वालों के लिए, अच्छे लोगों को पूरा प्रोत्साहन मिलता है काम करने के लिए। मेरा मानना यह है कि नेताओं का भी इतना हस्तक्षेप नहीं होता है जितना बदनाम किया जा रहा है। मैंने नरेंद्र तिवारी के क्षेत्र में काम किया, मैंने उड़ीसा में नरसिम्हा राव के क्षेत्र में काम किया, मैंने कलराज मिश्रा जी के क्षेत्र में काम किया, मैंने कल्पना मिश्रा के क्षेत्र में काम किया, मैंने हरिशंकर तिवारी जो गोरखपुर के डॉन थे माने जाते हैं उनके क्षेत्र में भी काम किया। देखिए ईमानदार आदमी को, निष्ठावान आदमी को हर व्यक्ति पसंद करता है, जो बेईमान भी होगा वो पसंद करेगा और ईमानदार तो पसंद करेगा ही करेगा। प्रॉब्लम्स थोड़ी सी हैं और प्रॉब्लम्स को अगर हम सॉल्व कर लें तो प्राइवेट सेक्टर वो सब कुछ कर सकता है जो प्राइवेट सोच भी नहीं सकता है। मेरे बच्चे मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं और डिज्नी और हार्ले डेविडसन के भी मैनेजमेंट को मैंने देखा है और शोषण होते हुए महसूस किया है कि नीचे वाले की बात ऊपर तक पहुंचती नहीं है। हमने पीएसयू में भी यही देखा। अपनी पॉइंट यह है कि हम जब जूनियर लेवल पर होते हैं तो ऊपर तक बात पहुंचती नहीं, तो ये ट्रांसपेरेंसी की कमी होने की वजह से मुझे तो लगता है ग्लोबल रिसेशन है। ग्लोबली इंडस्ट्रीज जो हैं हॉलो हो चुकी हैं, सीएस जो हैं मैनिपुलेट कर रहे हैं बैलेंस शीट्स को, और अकेले सिर्फ आप पब्लिक सेक्टर्स या सरकारी सेक्टर के बारे में ऐसी भ्रांति रखें ये उचित नहीं है। मैं दो चीज आप एक मिनट डीएम साहब, इसमें मैं सिर्फ एक छोटा कमेंट और उसके बाद फिर आप इसमें एक बैलेंस व्यू दीजिए प्लीज। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जो भी इस टाइम एक जनरल परसेप्शन है पब्लिक सेक्टर के बारे में इन इन मेरे ख्याल जनता में जो एटलीस्ट जो एजुकेटेड क्लास है उसमें ये है कि भैया जो पब्लिक सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स हैं तो हम उन प्रॉब्लम्स को क्यों सहें उन प्रॉब्लम्स को, अगर प्राइवेट एंटरप्राइज जो है वही काम मोर एफिशिएंटली चीपर, दैट मींस कि जो वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो सस्ते बनाएंगे, उनकी क्वालिटी बेटर होगी बिकॉज देयर इज अ कंपटीशन एंड दे हैव टू कम्पीट विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो हम वो टैक्स पेयर क्यों सहे कि भैया मेरे को जो है इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मेरे को अपना पैसा देना पड़ रहा है, तो इस पर जरा कुछ बैलेंस व्यू देंगे डीएम साहब? हाँ देखिए मैं यहाँ पर दो चीज बताना चाहता हूँ जो शायद कुछ लोगों को मालूम भी ना हो, ये हो सकता है पैनलिस्ट को भी मालूम ना हो। 1999 तक भारत सरकार में एक प्रावधान था कि अगर आपका आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है और 5 अलग अलग बॉसेस ने आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स दी हैं जिसको CR नाम दे रहे थे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, तो उस साल की जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बैठेगी उसमें एक जोन ऑफ कंसिडरेशन होता है जो लगभग 3 गुना होता है। अगर 40 वैकेंसी हैं तो 120 लोगों की लिस्ट पैनल के सामने रखी जाती है, तो उसमें आप सबसे ऊपर आ जाओगे। लेकिन 99 में भारत सरकार ने, और वो कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी बीजेपी गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि ये प्रावधान बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। उसके बदले पाइपलाइन थ्योरी चलेगी कि जो पहले घुसा है वो पहले निकलेगा कैडर में, और आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट हो या नहीं हो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन किसी को नहीं मिलेगा। तो व्हाई समबडी विल पुट हिज हार्ट एंड सोल, जो आदमी ज्यादा काम करेगा उससे गलती होने की संभावना भी है, ऊपर से आपने CBC और CBI लगा रखी है, तो लोग एक नॉर्मल आदमी यही सोचेगा कि मैं इसके पचड़े में क्यों पड़ूं, जो मिनिमम काम रिक्वायरमेंट है वो मैं करता जाऊं, तो ही विल नॉट पुट हिज हार्ट एंड सोल। तो सबसे पहले तो सरकार में ये चेंज करना ही पड़ेगा कि जो स्टार परफॉर्मर है उसका इवेल्यूएशन क्राइटेरिया कितना भी डिफिकल्ट कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे खत्म नहीं करना चाहिए था।
अगर गधों और घोड़ों को एक डंडे से हाँकोगे तो फिर वो भी काम नहीं करेगा। तो ये एक सबसे बड़ा ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है और आज भी भारत सरकार ने उस प्रावधान को वापस नहीं लाया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 1999 तक था, मैं उसका बेनिफिशियरी परस लास्ट बेनिफिशियरी हूं। ठीक है। I had jumped two batches below me. ओके। तो मेरे से सीनियर थे, उनको जंप किया मैंने। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि अगर आप में मेरिट है तो आप एक्सेलरेटरली ऊपर जा सकते हैं। और इसीलिए यह भी नहीं बताया जाता किसको कितना हाइक मिला, किसको प्रमोशन मिलेगा, तो डेजिग्नेशन आएगा ही, लेकिन सैलरी क्या हाइक हुई है, इट इज ए कॉन्फिडेंशियल मैटर, इट इज नॉट पुट इन पब्लिक डोमेन अनलेस यू आर डायरेक्टर एंड इट इज ए कंपलसरी दैट इन द एनुअल रिपोर्ट यू हैव टू पुट द डायरेक्टर्स सैलरी। तो चीजें एक कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं उसमें अगर इनिशिएटिव नहीं लेगा तो कंपनी आगे कैसे जाएगी, जो रनिंग प्रोडक्ट है वो तो चलते जाएंगे, जिसको मैंने R&D का पॉइंट दिया था। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया क्वालिटी कम दाम पे हो सकती है, विच इज ड्यू टू कॉम्पिटिशन, अदरवाइज यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट, तो पब्लिक सेक्टर में क्यों हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, आज की तारीख में मेरे पास जो डेटा है, भारत की GDP का करीब 14-15% जो है पब्लिक सेक्टर से आ रहा है। तो मैं जैसे 50% बोल रहे थे सुधीर सिन्हा जी, तो 50-50 तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, आज की तारीख में भी नहीं है। द गवर्नमेंट हैज ए वेरी राइट व्यू टुडे दैट गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। या एग्जैक्टली, ये एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर हैज बीन सेइंग एंड आई फुल्ली एग्री। ये ठीक है कि आर्मी का जो काम है उसका मैं टेंडर नहीं दे सकता कि इस पिलर पोस्ट से इस पिलर पोस्ट तक सुरक्षा करनी है, नेशनल सिक्योरिटी, उसका टेंडर निकाल दो, वो नहीं हो सकता। इट हैज टू बी विद द गवर्नमेंट, राइट। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें जो कमर्शियल हैं, इट शुड बी ओपन, इफ समबडी कैन डू इट हायर क्वालिटी एट अ लेसर प्राइस एट अ बेटर एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस, व्हाई नॉट, यू आर वेरी राइट। तो जब यही हम हमारे प्राइम मिनिस्टर यही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं लोग कि देश बेच दिया, देश बेच दिया, देश नहीं बेचा, लेकिन जो इनएफिशिएंट है उससे ये जो मुद्दा है ना डीएम, ये मुद्दा जो है ये मैं बाद में लूंगा, क्योंकि ये जो है डिसाइसिव पार्ट है इसका डिस्कशन का, दिस आई विल टेक लेटर ऑन बिकॉज दिस इज व्हाट एक्चुअली विल कंक्लूड द होल। प्लीज प्लीज प्लीज, सो सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, बट वंस यू आर गोइंग एक्सटेंपोर तो ये होता है कि हम थोड़ा, आई नो, आई अंडरस्टैंड, मैं भी कई बार बह जाता हूँ, तो ये तो मेरे दिमाग में मैं जो कहना चाह रहा था वो मैसेज गया है ऑडियंस को कि ऐसा क्यों है। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो आपने जैसे बड़ी अच्छी तरीके से इसको समझाया, अब मैं जो हूँ एक बहुत बड़े जो सबसे जो मेरा जिसे कहते हैं वेरी नियर टू हार्ट एक उस मुद्दे पे आता हूँ, और वो ये है कि जो हम इतना रेटरिक सुनते हैं अपने पॉलिटिकल सीन में, मीडिया में, सोशल मीडिया पे, एवरीवेयर, कि जी एयर इंडिया बेच दिया, अरे देश बेच दिया, देश बेच दिया, अगर कोई और कंपनी बेच दी, अरे देश बेच दिया, देश बेच दिया। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन जो कि लगता है कि इस गवर्नमेंट का जो है क्या कहते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेन उनका एम है, but I think they are trying to privatize more and more companies, and for good reason, bad reason, वो तो हम आपस में discuss कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो एक लहर है इस कंपनी की, और ये जो 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 politicians हैं या जो media जो है या जो opposition वाले हैं, जो सब के सब ये जहाँ अल्लाह जो इन्होंने मचा रखा है कि देश बेच दिया, देश बेच दिया, इस पे मैं तीनों के views चाहूँगा कि ये कहाँ तक सच है, इसमें कुछ तत्व है ये नहीं है। लेट मी स्टार्ट विद तिवारी साहब। देखिए ये जो है दिस इज अ हाइप कि देश बेच दिया है, देश इस तरह से नहीं बिकता है। और दूसरी चीज ये है इसमें कि अगर प्राइवेटाइजेशन में सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है कि इसमें जो रिजल्ट्स जो होते हैं इम्प्रूव हो जाते हैं, सर्विस इम्प्रूव हो जाती है, और ओवरऑल जो है
आप देखेंगे कि फिर मोरल इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। जैसे बैंक्स को ले लीजिए आप, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, देर इज अ मेजर डिफरेंस। यू गो एंड एक्सपीरियंस वंस यू हैव टू ट्रांजैक्ट विद देम, देयर परफॉर्मेंस इज टोटली डिफरेंट, यू नो अप्रोच इज डिफरेंट। अब वो जो है उसको तो चेंज करने के लिए तो और वो जो है मतलब कुछ और एडिशनल चीज चाहिए जिससे कि हो सके इम्प्रूव। ऐसी चीज तो नहीं है कि नहीं कोई कर सकते, अब सिर्फ ये है कि देर इज समथिंग लैकिंग विच इज नॉट ड्राइविंग पीपल हु कैन परफॉर्म। तो उस वो बहुत ज्यादा जरूरी है इधर कि काम तो सब कर रहे हैं, उधर बैंक में भी कर रहे हैं, मगर आप देखेंगे कि एक HDFC में जाओ उसका एक परफॉर्मेंस है विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम समवन एल्सेस, SBI और सम अदर बैंक्स। सो वो उस तरह का वो जो है उससे बड़ा फायदा हो सकता है कि जिससे अप्रोच से अगर पता लग जाए कि भैया इस तरह से करना चाहिए कि इसमें है, इट हैज टू बी टेकन सीरियसली। ये आप बिजनेस कर रहे हो, कोई घर का तो चला नहीं, जो लाला की दुकान तो है नहीं, है बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस ट्रीटमेंट करोगे तभी आपके पास कस्टमर आएगा, फिर उसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी होगी, नहीं तो कैसे हो जाएगी। ठीक है, तो सिरा साहब इसमें जो जैसे अभी प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात हो रही है और जैसे DM साहब का स्टैटिस्टिक जो है वो बड़ा क्या कहना चाहिए ग्लेरिंग है, इट्स ग्लेरिंग एट अस कि भाई 14-15% ही जो है क्या कहते हैं जो इंडस्ट्रियल जो है कॉर्पोरेट जो सेक्टर है वो सिर्फ 14-15% ही PSU में है, रेस्ट इज ऑल इन प्राइवेट हैंड्स। तो कहीं ना कहीं तो इसका रीजन होगा कि भाई जो PSU जो है वो धीरे धीरे जो है शायद कम होते जाएंगे या कम हो रहे हैं और प्राइवेटाइज जो है वो कंपनीज जो है वो ज्यादा होगी, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए भैया, पहली तो सोच ये है जो आपने वो बिंदु उठाया कि गवर्नमेंट बेच रही है, अब पॉइंट ये है कि अगर कोई भी अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर इतना कमजोर हो चुका है, नासूर बन चुका है, तो बेच देने में कोई बुराई नहीं है, मगर शक ये पैदा करता है कि अंडर वैल्यूड, आप जिसको बेचते हैं बहुत सस्ते में बेच देते हैं इसलिए वो खरीदता है, मगर इस बात की अंडरटेकिंग ली जाती है या नहीं ली जाती है कि आप इतनी परफॉर्मेंस कितनी इम्प्रूव करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या पनिशमेंट होगा, क्या क्लॉज होंगे, इसके बारे में नहीं सोचा जाता है। तो मेरा कहना यह है कि पहले तो चिंतन इस बात की जाए कि वो सिक हुआ क्यों, दूसरा चिंतन इस बात की जाए कि अगर आप बेच रहे हैं तो किस कॉस्ट पर बेच रहे हैं, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से तो नहीं ऐसा कर रहे हैं। मेरा देखिए सोच ये है कि सरकारी सेक्टर को एनकरेज करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो अभी एक बिंदु आपने इंसाइट उठाया था कि साहब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्राइवेट में कम हो जाती है, हर जगह ऐसा नहीं होता। जियो वगैरह आए, उन्होंने टेलीकॉम सर्विसेज चीपर कर दी, इससे आप एक थंब रूल नहीं बना सकते। आपको मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का मैं हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हाईवेज वगैरह इतने बन रहे हैं, गडकरी जी का इतना हैवी टारगेट है, अच्छा काम भी हो रहा है, स्पीड से काम भी हो रहा है, मगर शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि इससे प्राइवेट प्लेयर्स कितना फायदा उठा रहे हैं। दुगना काम हो सकता है मेरे हिसाब से, दुगना नहीं तो 25% तो निश्चित रूप से हो सकता है। तो ये प्राइवेट सेक्टर को धनी बना के हम चोर मंडली को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इस बारे में आप लोगों की कोई चिंता नहीं है। आप तो सोचते हैं कि सब कुछ ये है कि सब भाई सरकार में एक से एक टैलेंटेड आदमी जाता है। मैंने देखा है हमारे पीरोड़ी के जो क्रीम था 72 वगैरह में, उसने एक यूपी स्टेट विज कॉर्पोरेशन खोली,
और ईमानदार लोग वहां पर थे, उन्होंने इराक में भी झंडे गाड़े, अफगानिस्तान में जब पूरे देश में झंडे गाड़े, इट वॉज रनिंग ए वेरी वेरी प्रॉफिटेबल कंपनी। और मगर जब उनका अपना स्टाफ उन्होंने रिक्रूट करना चालू किया, क्योंकि हर बाप या हर सीईओ ये चाहता है कि साहब हमारे भी एम्प्लॉयज होने चाहिए, वो नकल करने लग जाते हैं सरकारी लोगों के, सरकारी का जो बड़ा साहब ऐश इतना कर रहा है हम भी करेंगे, उसी तरह का वहाँ करप्शन फैलता जाता है। उसको रोकने के लिए आज की तारीख में डाटा बेस मैनेजमेंट जो उपलब्ध है, तमाम टूल्स अवेलेबल हैं, MIS हैं, और आप पनिश करने के कोई भी पैरामीटर तैयार कर सकते हैं, उस पर भी चिंतन कर सकते हैं। और मैंने जैसे कहा कि हर आदमी बहुत सारे लोग गुप्ता साहब जैसे हो सकते हैं, गुप्ता साहब भी तो कहते हैं कि मैंने टर्नओवर एक साल में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का 30% बढ़ा दिया। तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट सेक्टर बढ़िया काम कर सकती है, और गलत लोगों के पास गलत पैसा है, और प्राइवेट सेक्टर में जितने आप खुश दिखाई देते हैं ना स्माइलिंग फेसेस आपके, मुझे लगता है वहाँ भी बहुत शोषण है, और शोषण की संभावना वहाँ ज़्यादा है। वहाँ एक जमाना ये आएगा, आपने प्राइवेट को सब कुछ दे दिया तो पब्लिक ट्राई ट्राई बोलेगी। सिन्हा साहब, थोड़ा सा आप यहाँ पे थोड़ा रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, तो मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, सॉरी। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि ठीक है, आपकी बात मान ली कि भाई ईमानदार आदमी होने चाहिए और वो सब कुछ, लेकिन ऐसा है ईमानदार आदमी जो है वो तो हमें चाहिए ही, वो तो एक ऑटोमेटिक ऑब्वियस चीज है कि ईमानदार तो आदमी होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, या गवर्नमेंट जॉब हो, या क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, ईमानदारी इज ए ऑटोमेटिक ऑब्वियस थिंग टू हैव, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती, तो वहां तो हम बिल्कुल सहमत है। जो क्वेश्चन जो पैदा होता है एक नॉर्मल नागरिक के सामने कि भाई अगर ये प्राइवेटाइज जो कंपनीज जो है, जो प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो है, वो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे जो है दे आर डूइंग ग्रेट जॉब, यूनाइटेड स्टेट्स में कोई भी प्राइवेट ये कोई पब्लिक सेक्टर की कोई कंपनी नहीं, वहां तो ये हाल है सर कि फेडरल बैंक इज ऑल्सो नॉट ओन्ड बाई द गवर्नमेंट, या आपको शायद पता ना हो सकता है आपने कुछ को पता हो, इवन फेडरल बैंक इज नॉट ओन्ड बाई द गवर्नमेंट, इट इज अ कंसोर्टियम ऑफ आई थिंक 5 or 6 बैंक्स, दे ओन फेडरल बैंक, तो वहां तो बैंक भी जो है वो जो है क्या कहते हैं नेशनलाइज नहीं है, इट इज ओन्ड बाई प्राइवेट बैंक्स, जिसमें HSBC है, चेज मैनहट्टन है, और भी मैं सारे नाम भूल रहा हूँ, बट देयर आई थिंक 5 or 6 बैंक्स विच ओन फेडरल बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो वहां पे अब आप देखिए, या वेस्टर्न यूरोप ले लीजिए, अब धीरे धीरे ईस्टर्न यूरोप भी उसी तरीके से चल रहा है, आप रशिया ले लीजिए, वो भी जो है काफी प्राइवेट एंटरप्राइज के मॉडल पे चल रहा है, चाइना जो कि कम्युनिज्म का गढ़ था, कम्युनिज्म का मतलब कि सब कंपनी, मतलब वहां पे अगर चाय वाली की भी दुकान है या किसी पान वाले की भी दुकान है, हालांकि वहां पान नहीं खाया जाता, बट जस्ट टू मेक माय पॉइंट, पान वाले की दुकान भी जो है वो दैट वॉज ऑल्सो ओन्ड बाई द कंपनी, जब मैं वहां पर पहली बार 85 या 86 में गया था, एंड द मिसमैनेजमेंट जो वहां पे था बहुत ज्यादा था। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक प्रूवन मॉडल है कि भाई प्राइवेट कंपनी जो है वो जो कंट्रीज में जहां पे है दे आर डूइंग फिनोमिनली वेल, दोज कंट्रीज आर डूइंग वेल, वहां का जो पर कैपिटा इनकम है, GDP ग्रोथ है, एवरीथिंग इज डूइंग सुपर डुपर, देन व्हाई शुड वी गो इन फॉर पब्लिक सेक्टर एट ऑल। DM गुप्ता साहब, देखिए मैं यहाँ पर 3 चीजें कहना चाहूंगा। पब्लिक सेक्टर जरूरी है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो 15% के करीब है इसे 10% पर लाया जा सकता है, और बाकी चीजों और इसमें, लेकिन वो तब होगा, सरकार को कुछ सिस्टम्स में, रूल्स में, रेगुलेशंस में चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहला चेंज यही करना पड़ेगा कि मेरिट शुड बी दी ओनली कंसिडरेशन टू पुट पीपल स्पेशली इन हायर एक्चिलॉन्स। आप लेबर का चपरासी का काम किसी से भी करा लीजिए, लेकिन जो फॉरवर्ड थिंकिंग वाले लोग हैं उसमें मेरिट ही कंसिडरेशन होगा, तब मामला आगे बढ़ेगा। दूसरी बात यह है
कि इन द नेम ऑफ नेचुरल जस्टिस जो आपने एक कॉम्प्लिकेटेड सीसीए रूल बना रखे हैं, मैं आपको ये भी डेटा देना चाहूंगा कि हमारी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सीबीआई जितने केस रजिस्टर करती है उनकी कन्विक्शन रेशो 10% भी नहीं है। वाओ, तो इसके माने ये हुए। और लेकिन होता क्या है सरकार में, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि जो भी लोगों को आगे जाना होता है तो कुछ ना कुछ डिसग्रंटेड एलिमेंट रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कंप्लेंट डालना शुरू करते हैं। वो असली नकली, ज्यादातर नकली कंप्लेंट ज्यादा होती है, क्योंकि जो बहुत शातिर लोग होते हैं वो तो अपने पंजों के निशान भी नहीं छोड़ते जब वो गड़बड़ करते हैं। तो जो सिंपल आदमी है और काम में लगा रहता है उससे कुछ ओवरलुक में मिस्टेक हो सकती है, बट नोबडी इज लुकिंग इनटू द मेला फाइल। इसने रूल तोड़ा, आपको 500 करोड़ की पावर दे रखी है फाइनेंशियल पावर सरकार ने एक पर्टिकुलर अफसर के लेवल की, लेकिन अगर उसने L1 वर्कआउट करने में टेंडर के एक पैसे की भी गलती कर दी तो उसकी गर्दन चंगुल में। Right. तो उसमें मेला फाइड है नहीं है वो कोई नहीं देखता। तो आपको Right. कुछ रूल्स बदलने ही पड़ेंगे तभी, नहीं तो फिर पब्लिक सेक्टर को 10% भी नहीं आप पूरे खत्म कर दो, क्योंकि जिस तरह से चीजें चल रही हैं इट इज वेस्टेज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। इतने हाई कॉस्ट में आप बता रहे हो तो फिर वो कोई माने नहीं है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि जो भी एफिशिएंटली बनाएगा, कम समय में बनाएगा, हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, मार्केट अपने आप मिलेगी उसको, उसको प्रमोट करने की जरूरत नहीं, इज इट नॉट। अब तो मैं तीन चार चीजें कहना चाहता हूँ कि अगर पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट वो सुधार कर ले, एक तो मेरिट सिर्फ एक कंसिडरेशन हो, और जो स्टार परफॉर्मर है उन्हें क्विकली ऊपर ले जाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढा जाए। क्राइटेरिया काफी डिफिकल्ट बना सकते हो आप, लेकिन उसे खत्म नहीं कर पाता, 99 तक था, उसके बाद नहीं है, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि आर एंड डी पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत है। जब तक आपके अपने डिजाइन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि IPR की क्लॉज है। R&D का जो है वो एक सेपरेट होता है। तो मैं कहना चाह रहा था कि उसमें आपको परफोर्स, जैसे आपने परफोर्स बना दिया कि 2% जो है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में खर्चा वो नहीं है, हर कंपनी के लिए लागू है ये, जिसका टर्नओवर मेरे ख्याल से 100 करोड़ के ऊपर है, उसके लिए सरकारी नियम है कंपनीज एक्ट में। तो इसी तरह से आप कोई रूल बनाइए कि आपको अगर टर्नओवर इससे ज्यादा है तो कम से कम इतना R&D में खर्चा करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप ना लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हो, ना 5 साल बाद आप क्या प्रोडक्ट बनाओगे। आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि IPR रेस्ट्रिक्शन है, आपने जिस कंट्री से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लिया है 20 साल तक IPR है, आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है ना? अब तिवारी साहब, एक इसमें नई चीज एक लाना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक हमारा जो एक क्या कहना चाहिए ट्रेंड जो रहा है वो यही रहा है कि PSU की हमने जो है खामियां देखी है। लेकिन मेरा जो इसमें मानना है, कि मेरा ही मानना नहीं है, मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी उतना दूध का दूल्हा नहीं है। हाँ, ठीक है, वो भी उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉई का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता है, और वो मैंने जितना यूनाइटेड स्टेट्स में या जापान में या इंडिया में देखा है वो कहीं नहीं देखा। मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस करूं यहाँ पर, थोड़ा सा एक्सपीरियंस। यूनाइटेड स्टेट्स का तो ये हाल है सर कि वहां पे अभी भी इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड वहां पे अभी भी 40 hours वीक है एंड पीपल वर्क नियरली राउंड द क्लॉक, दो दो तीन तीन जॉब वहां पे करने पड़ते हैं बिकॉज दे कैन नॉट गेट द एंड्स टू मीट। और ये जो है इसको जो हम लोग हिंदी भाषा में कहते हैं कि ये शोषण, मतलब जो हो रहा है वहां पे लेबर क्लास का, और ये जो है ये बड़ा प्रिडोमिनेंट जापान में भी है। जापान दूर से बड़ा बेनाइन, बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा कंट्री लगता है, बट अगर वहां पे एम्प्लॉयज की अगर आप वहां पे जो अप्लाइड देखें तो वो दैट इज नॉट वेरी एडमरेबल। एंड द सेम थिंग इज हेयर इन इंडिया ऑल्सो, एम्प्लॉय फ्रेंडलीनेस जो है वो यहाँ बहुत कम है, एंड दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर द प्राइवेट एंटरप्राइज, बिकॉज प्राइवेट एंटरप्राइज का जो मेन फोकस होता है वो होता है पैसे बनाना, और पैसे बनाने का मतलब ये है कि भैया उसमें एम्प्लॉय डजंट हैव मच से इन द मैटर। तो तिवारी साहब, इस पे जरा थोड़ा सा, आई नो यू आर इन फेवर ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, अब इसमें क्या आपके कमेंट्स होंगे कि ये इसको कैसे या तो सॉल्व किया जाए या ये प्रॉब्लम है कि नहीं?
देखिए, कोई भी बिजनेस है उसको ह्यूमेन ट्रीटमेंट तो देना ही देना पड़ेगा एम्प्लॉयज को. अगर दे कैन नॉट एम्पेथाइज विद द एम्प्लॉयज और रियलाइज व्हाट द लिमिटेशंस आर फॉर देम फॉर द एम्प्लॉयज नॉट टू अकॉम्प्लिश व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू दे हैव फेल्ड. सो वो तो करेक्ट आपको करना ही पड़ेगा. गलत चीज तो गलत ही रहेगी हमेशा, उसको तो सही करने के लिए तो दूसरा ही उसका तरीका निकालना पड़ता है जो कि विच इज रीजनेबल विच इज ऑनरेबल ऑल्सो. एंड एजुकेशन बाकी जो है फिर उनको ट्रेनिंग वगैरह है फिर एजुकेशन वगैरह है जिससे हो सके. यूरोप को देखें, यूरोप में तो 35 आवर्स वीक हो चुका है वेस्टर्न यूरोप में स्पेशली. नहीं देखिए वो जो है ना, अब शॉर्ट तो आप कभी भी कर सकते हो जो है, अगर जो आप कह रहे हैं ना तो उसमें तो आपने आवर्स ऑफ वर्किंग हैज बीन रिड्यूस्ड राइट, एम आई राइट? राइट हाँ, तो इट हैज बीन रिड्यूस्ड. तो उसमें रिड्यूस करने से तो आपको कोई इस तरह का बेनिफिट अगर प्रोडक्शन वगैरह में तो नहीं मिलेगा आपको, उसमें तो डिसएडवांटेज ही है. बिकॉज नाउ बेनिफिट की बात नहीं हो रही, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, बट यहाँ पे बेनिफिट की बात नहीं हो रही. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो एक लेबर क्लास का या एम्प्लॉय का जो शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है, मैं उस पर कह रहा हूँ कि यूरोप में मैं जब वहां पर गया था तब वहां पर भी 40 आवर वीक था. एंड आई थिंक आफ्टर फ्यू ईयर्स इट टर्न इन टू 39 और 38 आवर्स. And finally, in Denmark, if I remember correctly, it went down to 37 or 36 hours. Or France, to usse bhi aage nikla, unhone 35 hours kar diya. हाँ देखिए ऐसा है ना कि जो हमने देखा है कि जो दो दो जॉब, तीन तीन जॉब, चार चार जॉब जो है वो बड़े लो कैटेगरी वाले लोग कर रहे हैं. उधर एटलीस्ट यूएस में तो हमने देखा है हु आर फ्लिपिंग बर्गर्स, उस तरह की जॉब जो करते हैं उनको करने की जरूरत पड़ती है. अदर देन दैट इफ दे आर एजुकेटेड, इफ दे आर नॉट एजुकेटेड एट ऑल दे विल कीप ऑन फ्लिपिंग बर्गर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ अनलेस दे इम्प्रूव देयर क्रेडेंशियल्स और गेट बेटर एजुकेशन. तो उसमें तो देखिए कोई भी जो है नेशन, आप जब जरूर वहां पर भी है सोशल सिक्योरिटी वगैरह है, हेल्प करते हैं बकायदा उनकी जो है इस सिचुएशन पे. नहीं 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 मेरा मेरा क्वेश्चन ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स में अभी तक, क्योंकि वो भी आल्सो यूनाइटेड स्टेट्स इज आल्सो पार्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न वे ऑफ रनिंग कंपनीज एंड थिंग्स लाइक दैट व्हिच इज टोटली कैपिटलिस्ट बेस्ड, तो वहां पे अभी तक उन्होंने 40 आवर्स ए वीक वर्किंग क्यों रखा है. ऑन द सिमिलर नोट वहां पे भी अभी जो छुट्टियां जो है वो मेरे ख्याल 2 हफ्ते की मिलती है आफ्टर वर्किंग फॉर 1 ईयर और समथिंग लाइक दैट, वेयर इज इन यूरोप आपको 6 हफ्ते की छुट्टियां मिलती है साल में एम्प्लॉयज को. तो वहां पे ये अभी तक ये एक तरह से देखा जाए, अगर कंपेरिजन करें वेस्टर्न यूरोप को और यूनाइटेड स्टेट्स को, दोनों एक ही कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज है, तो वहां पे शोषण जो है वो एम्प्लॉयज का क्यों चल रहा है, वो मेरा जो है मेन क्वेश्चन था. अब देखिए इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, यूएस में तो जो है एम्प्लॉयज का जो शोषण नहीं है वहां पर, इन द सेंस दे वांट देयर प्रोडक्टिविटी टू कंटिन्यू द वे इट इज वेरी इजी टू लूजन इट, लूजन स्टैंडर्ड्स, बट वेरी डिफिकल्ट टू टाइटन देम अगेन. Because all said and done, all these companies are for basically वो सब इसीलिए कर रही हैं काम कि जिससे कि परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती रहे. अगर काम ही कम आदमी अगर जो है उसका टाइमिंग घटता रह गया तो परफॉर्मेंस तो डाउन जाएगी. तो वो यूएस में उस एंगल से नहीं ज्यादा सोचा जा रहा है एट ऑल. वो कहते हैं कि
जिसने जो है बेसिक जो भी बेनिफिट्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस देयर एजुकेशन लेवल ऑन व्हाट दे कैन अकम्प्लिश उसके बेसिस पे कर रहे हैं। अब बाकी तो यूरोप का तो देखिए थोड़ा फर्क है, वहां पर सोशलिस्टिक सेट पैटर्न ऑफ सोसाइटी टाइप की हैं, उधर उधर नहीं करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे इस लाइक कई कई स्टेट्स हैं जैसे इंडिया में भी हैं बंगाल वगैरह उधर, वहां पर यू कैन नॉट टाइटन द स्टैंडर्ड्स, यू कैन कीप ऑन लूजनिंग देम, उसमें तो सभी खुश हो जाएंगे। इनफैक्ट द आयरनी ऑफ द होल सिचुएशन इज कि वेस्टर्न यूरोप इज इक्वली क्या कहना चाहिए कंपेटिटिव इन द मार्केट डिस्पाइट द फैक्ट दैट द वर्किंग लोड ऑन पीपल इज लेसर। आप ठीक कह रहे हो मगर ऐसा है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ऑलवेज देयर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ऑलवेज देयर बिटवीन कंट्री एंड कंट्री। एक कंट्री का जो है उसका जो वर्कर है दे बिहेव वन वे, अनदर कंट्री इज परहैप्स द वर्कर इज मोर रिस्पॉन्सिबल, दे बिहेव डिफरेंट वे, दे फील दैट कि हमको जो है अगर आपको जो बिजनेस जो भी बिजनेस है अगर उसको हमारी वजह से लॉस हो रहा है तो वी शुड डू समथिंग टू इम्प्रूव इट, दे आर गिविंग मी बेनिफिट नाउ वी शुड ऑल्सो डू समथिंग फॉर देम। अब देखिए कि अगर वो मांगते ही रहेंगे तो उसमें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चलेगा नहीं, तो फिर एक के ऊपर दूसरा प्रेशर डलता है उधर, वहां तो स्ट्राइक होनी शुरू हो जाती है। चलिए अब जो है मैं डीएम साहब से एक बड़ा अच्छा मेरे हिसाब से जो एक बैलेंस वाला जो क्वेश्चन है वो पूछने की कोशिश करूंगा। डीएम साहब देखिए ऐसा है कि कुछ जो जैसे आपने कहा कि सम ऑफ द पीएसयूज हैव टू बी इन गवर्नमेंट्स डोमेन, यस यस, एंड देयर हैज टू बी मोस्ट ऑफ दिस थिंग द कंपनीज हैव टू बी अंडर प्राइवेट हैंड्स। अब मैं अगर एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं, एक कंपनी है BHEL, हम सब जानते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उनका जो आउटले है इज ह्यूमंगस। जब ये कंपनी शुरू हुई थी टू प्रोड्यूस टर्बाइंस टू प्रोड्यूस एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टर्बाइंस आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक मेगावाट काइंड ऑफ कैपेसिटी टर्बाइंस, देन जनरेटर्स अगेन 200 megawatts 400 megawatts सिंगल जनरेटर्स एंड देन बॉयलर्स अकॉर्डिंगली एटसेट्रा, जो पूरा पावर जनरेशन का जो हिसाब किताब था वो BHEL ने बड़े आराम से संभाल लिया था। और जब ये शुरू हुई थी कंपनी तब इन्होंने रशियन टेक्निकल नो हाउ पे ये इनका बेस चला था, उसके बाद खैर बहुत सारे कोलेबोरेशन फिर अमेरिका के साथ भी हुए एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसको तो छोड़ दीजिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब ये मेरे ख्याल ये लेट 60s में शायद शुरू हुई थी ये कंपनियां, उस टाइम शायद हमारी जो क्या कहना चाहिए इंडस्ट्रियल बेस प्राइवेट इंडस्ट्रियल बेस उतना स्ट्रांग नहीं था, हमारी सिर्फ 3 या 4 कंपनियां थी, दालमियाज जेके यही 4-5 थे मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, बिरलाज ये सब कंपनियां थी, उनका जो स्टाइल था कंपनीज रन करने का वो लाला टाइप का था, दे वर नॉट द विजनरी टाइप की भाई अगर हमको कोई रियली अगर हमें बिग स्केल पे लाइक BHEL टाइप की कंपनी चलानी है प्रॉब्ली दे वर नॉट इक्विप्ड टू डू दैट। उस टाइम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये एक स्टेप लिया कि नहीं भाई पावर जनरेशन जो है वो हमारे नेशन के लिए बहुत जरूरी है और उसमें जो है प्राइवेट हैंड जो है वो उसमें इतना कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको उस टाइप के काम को जो है अंजाम दे सके, और BHEL ले गई There are other companies also of the similar this thing. उसमें आपके ऑयल की कंपनी भी आ जाती है ONGC, भारत पेट्रोलियम, उसके बाद आपकी क्या कहते हैं हमारे स्टील प्लांट जो है राउरकेला के भिलाई के एक्सेट्रा जो कि बहुत 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 कैपिटल इंटेंसिव थे और उनमें उस टाइम, आजकल तो चलो ठीक है हमारे अडानी साहब है मानी साहब है टाटा सन्स है एक्सेट्रा, देयर आर मेनी अदर बिलियनियर्स हु कैन रन दीस काइंड ऑफ और स्टार्टअप दीस काइंड ऑफ कंपनीज, बट उस टाइम नहीं थी, तो उस टाइम जो है इनकी बहुत जरूरत थी और गवर्नमेंट ने उस टाइम एक सही स्टेप निकाला कि भैया इनको जो है चलाना है। इस पे आप क्या कहेंगे डीएम गुप्ता? देखिए मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं, पहली बात
पब्लिक सेक्टर को टोटल समाप्त नहीं किया जा सकता, नंबर एक। नंबर दो, सरकार को कुछ ना कुछ अपने वर्किंग में आमूल परिवर्तन करने पड़ेंगे, वो चाहे फैक्ट्रीज एक्ट है, चाहे प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, और चाहे सीवीसी और सीबीआई जैसे रोल हैं। मैं एक एग्जांपल अपना तजुर्बा शेयर करता हूं। गुजरात में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, उसमें अंबानी भी हैं, अदानी भी हैं, एसआर भी हैं, मैंने देखा है कि उनके जो बड़े बड़े प्लांट हैं उनमें एग्जीक्यूटिव हैं E1 to E11, लेकिन जो वर्क इंडस्ट्रियल वर्कर है कोई नहीं है, सारे के सारे आउटसोर्स हैं। देर इज नो यूनियन एंड देर इज नो एक्सप्लॉयटेशन, दे आर वेरी वेल लुक्ड आफ्टर, उनको बढ़िया तनख्वाह मिलती है, बढ़िया सब फैसिलिटी मिलती है, लेकिन मैनेजमेंट के खिलाफ खड़े होने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो आपके एम्प्लॉय नहीं है, वो आउटसोर्स है, वो ठेकेदार को बोलेंगे बाहर करो, बाहर कर देगा, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। तो देर मैं सुधीर सिन्हा साहब से थोड़ा डिसएग्री करता हूं कि हो सकता है कहीं पर एक्सप्लॉयटेशन भी हो, लेकिन जितना मैंने बिग बिजनेस हाउसेस की यूनिट्स देखी हैं उनमें नहीं है, लेकिन फैक्ट्री एक्ट वगैरह और ट्रेड यूनियन नाम की कोई चीज नहीं है वहां। दूसरी चीज, मैंने सीबीसी से पर्सनली टेकअप किया था, क्या किया था कि साहब जैसे बड़े बड़े मान लीजिए 100 करोड़ से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले उसका आप प्री विजिलेंस ऑडिट कर लो। बाद में बोलते हो इन्होंने ये हेरा फेरी कर दी, वो कर दी, ये गलत था, वो गलत था, तो ऑर्डर देने से पहले, परचेज ऑर्डर देने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले आप जरा देख लो भाई को। तो वहां से क्या जवाब आया? वहां से जवाब आया, साहब हमारा काम पुलिस का है, मर्डर हो सकता है इस पे पुलिस नहीं आती, जब मर्डर हो जाता है तब पुलिस आती है, तो ये तो कोई बात नहीं होगी, तो सरकार को बदलना पड़ेगा। ये ठीक है कि हर कॉन्ट्रैक्ट का प्री विजिलेंस ऑडिट नहीं हो सकता, लेकिन कोई थ्रेशोल्ड तो डिसाइड हो सकता है, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ की इससे ऊपर का अगर है तो उसका पहले विजिलेंस ऑडिट होगा, उसके बाद ऑर्डर प्लेस करो, ये तो हो ही सकता है। और मेरिट शुड बी द ओनली कंसीडरेशन, स्टार परफॉर्मेंस शुड गो अप द लैडर क्विकली, कोई ना कोई प्रावधान बनाओ जिससे चमचे टाइप के लोग ना जा सके, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें कम से कम किया जाए। होता क्या है कि पॉलिटिकल जो भी आउटफिट है उनको अपने चमचों को देना पड़ता है, जो जॉब है, नौकरी है, कुछ काम धंधा है, तो वो पब्लिक सेक्टर उस काम आते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से टू द मिनिस्टर दैट यस आई विल नॉट रिक्रूट हिम, बट वो करना पड़ेगा। और अगर नहीं करोगे तो धीरे धीरे वो सारा प्राइवेट में जाएगा, वर्ल्ड लीडर्स right and if they are not able, they should be given time, either within this time frame you come up to this standard of performance, if you cannot come then you have to exit. That is number one. Number two, one reason why BHEL, just a minute, why they are not able to come cope up with the changing times, wo hamesha thermal plant ya hydro plant hi banate rahe, lekin aaj ka zamana solar ka, wind ka, usme utna migrate wo nahi kar paaye. That is what I said, उनका जो स्कोर कार्ड था बैलेंस नहीं था, उन्होंने ये तो देखा कि 50 के दशक में 60, 70, 80, 90 तक सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन उन्हें ये भी देखना था कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड या हाइड्रो इलेक्ट्रिक चीजें बेस्ड होने पर धीरे धीरे जब सेचुरेशन हो जाएगा तो मुझे नई एरिया ढूंढने ही पड़ेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के, उसको बनाने की काबिलियत डेवलप करनी चाहिए थी। हाउस सुजलोन हैज कम अप फॉर विंड टर्बाइंस, so why they could, what BHEL could not enter what Suzlon has done. So similarly, जिस हिसाब से हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे अब फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो नई कंपनी फोकस कर रही है, BHEL ने ज्यादा किया है, मुझको ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने नहीं किया होगा, और कन्वेंशनल चीजें बनाते बनाते वो पिछड़ते चले गए क्योंकि अब उनकी जरूरत नहीं। तो अगर आप नई चीजों में बाहर हो जाओगे। तो सिन्हा साहब, इसमें ये बताइए कि BHEL को या जब भी स्टील प्लांट्स हैं या ONGC, भारत पेट्रोलियम, जो ये बड़े बड़े बेहमेट्स हैं, ह्यूज कंपनीज, और इनका जो है
एक फंक्शन है, और सबसे बड़ा फंक्शन तो ये है क्योंकि सबसे पहले तो इनकी मोनोपोली है, और कोई ऑयल कंपनी नहीं है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट या जो भी इनके जो ट्रेडिंग होती है बेसिकली, वो ट्रेडिंग तो और कोई कर नहीं रहा है। तो यही दो कंपनियां जो है इंडिया के लिए ट्रेडिंग करती हैं एज फार एज ऑयल इज कंसर्न। उसका BHEL जो भी सामान बनाता है वो सारी सारी खपत जो है स्टेट जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं या जो भी, और हालांकि अब तो खैर उसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं, तो उनको नेचुरली फुल फ्रीडम है कि भाई वो कहीं बाहर से खरीद सकते हैं टर्बाइन्स, या बाहर से जनरेटर्स खरीद सकते हैं, या जो भी कुछ उनका हिसाब किताब है। तो अब आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि अगर सपोज ये जो PSUs जो है, ये जो बड़े बड़े बेहमथ्स हैं, विच हैड ए वेरी गुड रोल टू प्ले बैक देन व्हेन दे स्टार्टेड, क्योंकि तब हमारे पास प्राइवेट इंडस्ट्रियल बेस जो है वो नहीं था, एजुकेशन नहीं थी, एक स्टाइल ऑफ बिजनेस जो है वो बहुत पुराना था, तके अनुसी था। तो अब जो है, अब तो वो चेंज हो गया है, लेकिन उस टाइम जरूरी था, लेकिन अब जो है उसकी क्या जरूरत रह गई है, इसको भी हम क्यों ना प्राइवेटाइज कर दें। ये आप जो है, क्योंकि आप फॉर PSUs है, इसके पे आप जरा अपना आर्ग्यूमेंट दें। देखिए, मेरी इसमें सोच ये, मैंने पहले भी कहा, जहां लाइलाज बीमारी हो गई है और जो एजेंसी खरीदना चाहती है प्राइवेट सेक्टर में, उससे कुछ कमिटमेंट लेते हुए आप दे सकते हैं। मगर मेरा मानना यह है कि गुप्ता साहब तो शायद ऐसा सोचते हैं कि जो रिफॉर्म्स चाहिए वो सब प्राइवेट में आ सकते हैं और गवर्नमेंट में नहीं आ सकते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये रिफॉर्म्स आएंगे, हमें लाने पड़ेंगे। मेरा दर्द सिर्फ ये है कि देखिए, मुझ जैसा आदमी चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर पहुँचा, गुप्ता साहब भी सरकारी CEO थे, मुझे बता दीजिए आप लोगों में से कितने, ये लाखों लोगों को, हर एक आदमी जो ग्रेजुएट इंजीनियर होता है, जिसका कैरियर अच्छा होता है, वो सोचता है मैं एक दिन CEO बनूं। अब जो आप लालाओं की नौकरी करेंगे, कितने लोग बन पा रहे हैं? अब देखिए, जब सक्सेसफुल हो जाएगा कोई आदमी पब्लिक सेक्टर में, हो सकता है उसको फंडिंग मिलने लग जाए, उसको लोग हायर करें, जो ट्रेनिंग मिल सकती है सरकारी पैसे से धंधा करने की, वो कहीं नहीं मिल सकती। और प्राइवेट में इतना करप्शन फैलाया है दुनिया में, पॉलिटिकल सिस्टम में, चाहे हर जगह। देखिए, प्राइवेट ये धंधे की डेफिनेशन आज की तारीख में हो गई है कि अनीति से कैसे पैसा जनरेट करें, तो वो लोग क्या भला करेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आता। ये था कि BHEL जो है, और जितनी भी बहिमत्स हैं, यू नो, ह्यूज कंपनीज, ONGC वगैरह जो मैंने अभी नाम लिए थे, मैं दोबारा नहीं लूंगा, इनको प्राइवेटाइज क्यों नहीं किया जाए? क्योंकि इनमें इनोवेशंस नहीं हो रही हैं, और इनमें क्योंकि इनोवेशन नहीं हो रही है, जैसे DM साहब ने भी बोला, तो अगर इनोवेशन नहीं होंगे, ये सोलर में नहीं जाएंगे, ये विंड मिल में नहीं जाएंगे, सुजलॉन जैसी कंपनी नहीं बनाएंगे, तो होगा क्या इन कंपनी का? धीरे धीरे ये कंपनी जो है अपने आप में मर जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में R&D का जो काम होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है, क्योंकि R&D का जो एक मेंटालिटी है ना, वो इट हैज टू बी, एक जुनून होता है R&D वाले के पास, वो जुनून जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में नहीं पाया था। और मैं इसमें ये जोड़ दूं, गवर्नमेंट जो छोटी मोटी R&D कर भी रही है, R&D में उसे लगाते हैं जो बाकी सिस्टम में फिट नहीं होता। एग्जैक्टली तो फिर वो क्या करेगा? जो दिया खुद ही बुझ रहा है, वो दूसरे दिए को क्या जलाएगा? Exactly. ये तो बीमारियां दूर करनी पड़ेंगी गुप्ता साहब। नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कि सरकार को, एक तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि 50% कर दो दोनों को, 50-50 नहीं, आज की तारीख में ही 15% है, तो उससे ज्यादा तो मैं नहीं समझता कोई सरकार करेगी, 50-50 तो हो ही नहीं सकता। नंबर 1, नंबर 2, वो भी एफिशिएंटली चल सकता है, लेकिन सरकार को अपने वर्किंग स्टाइल में आमूल परिवर्तन करने पड़ेंगे, तो एग्री करते तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। इससे तो एग्री करते हैं, मगर जहां तक इसकी बात कर रहे हैं BHEL की, देखिए, प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा वो काम जिसमें हैवी इन्वेस्टमेंट हो, जैसे गुप्ता साहब ने फरमाया भी था शुरू में कि सरकार जो है पब्लिक सेक्टर में उसी डोमेन में जाना जाती है जिसमें कि प्राइवेट प्लेयर कोई आसानी से तैयार ना। ये ठीक है, ये ठीक है। फैक्ट्रीज में भी क्या होता है,
फैक्ट्री में जैसे ये बात तो आपकी बिल्कुल गलत है सर. इससे तो मैं सॉरी मैं एज ए मैं तो कन्वीनर हूँ, आई एम नॉट एग्जैक्टली डिबेटर. बट ये तो आपने बिल्कुल गलत भाई. देखिए ऐसा है, अंबानी ने एक रिफाइनरी लगाई गुजरात के पोर्ट पर, तो वो जो है उसने वहां पे दुनिया की, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगाई है, विच हैज कॉस्टेड हिम बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स. जियो उसने स्टार्ट करी, इट हैज कॉस्टेड हिम बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स. तो ऐसा नहीं है, ये मैंने पहले ही आई थिंक स्टैब्लिश कर दिया था कि अब जो है हमारा जो इंडस्ट्रियल बेस जो है, इन दो तीन हाउसेस को भी आप छोड़ दो, अडानी अंबानी टाटा, इनको आप छोड़ दो, फिर भी जो लेसर नोन जो है बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि बिलियंस मतलब डबल डिजिट बिलियंस में क्या कहते हैं काम कर रही हैं, और वो लोग उतना इन्वेस्ट कर रहे हैं टू मेक ऑल दीज प्रोजेक्ट्स वायबल. तो ये जो है आप कह रहे हैं कि नहीं जी जो प्राइवेट एंटरप्राइज है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेगा, वो मेरे ख्याल जो है बात वो आपकी ठीक नहीं. मैं कह रहा हूँ डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर में गुप्ता साहब ने बताया था कि 20,000 करोड़ की करीब टर्नओवर थी 10 साल पहले, अभी मैं देख रहा था अभी भी लगभग वही है, ज्यादा बढ़ी नहीं है. कितना डिफेंस का बजट है को और हम बोर्ड को तोड़ना पड़ा है. नहीं ऑर्डिनेंस का तो थोड़ा मामला डिफरेंट है. देखिए ऑर्डिनेंस में गवर्नमेंट हो सकता है कि भाई वो प्राइवेट हैंड्स में जो है ये डिफेंस को ना जाने दें, बिकॉज उसमें इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है. डिफेंस में एक्सपोर्ट का बड़ा पोटेंशियल है, एक्सपोर्ट करो बिल्कुल. एक्सपोर्ट आप तभी कर सकते हो जब डिजाइन आपके हैं, आपने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लेके 80% आइटम आप बना रहे हो, 20 साल का उसमें आईपीआर रेस्ट्रिक्शन है, 20 साल के बाद आप एक्सपोर्ट करोगे वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई, कोई लेगा नहीं. अनलेस यू हैव योर ओवर आर एंड डी, यू डेवलप योर ओन प्रोडक्ट्स, देन ओनली यू कैन एक्सपोर्ट देम. सीधी सी बात है, हमारा 80% से ज्यादा उत्पादन हो रहा है कि टीओटी के अगेंस्ट में, बाहर से टीओटी लिए हैं, तो उसके लिए आपको आप कर ही नहीं सकते, आईपीआर की रेस्ट्रिक्शन है. अब सरकार ने मेक इन इंडिया को जोर दिया है और बोला है कि नहीं आपको एक्सपोर्ट के टारगेट है करने ही पड़ेंगे, तो चूंकि उस फॉर्मेट में वो चेंज नहीं कर पा रहे थे, और मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना नहीं चाहता कि सरकार ये चाहती है कि मैरिट शुड बी द ओनली कंसीडरेशन एंड इट कैन ओनली कम इफ यू मूव टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर. सरकार के सेक्टर में रहने से अगर ये लागू करेगी तो उसके पॉलिटिकल डाउनफॉल्स हैं, वो करना नहीं चाहता थे. तो क्या करें, अब जो है मैं इसमें तरीका ढूंढ रहा है कि कैसे एफिशिएंटली काम हो सकता है. जो मैंने सुना जैसे BHEL ये देवर ऑल गुड कंपनीज एंड नाउ दे हैव डीजनरेटेड इनटू अ सिचुएशन वेयर दे आर हैविंग अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इन द सेंस कि अब जो है तो वो जो दिस बेसिकली शोज अ फेलियर एट द टॉप मैनेजमेंट लेवल. Yes. Unless you flush that, you cannot do it. You cannot just keep on, we cannot just keep on working with the same people and hope different result. That will never happen. The management will have to be flushed out. The top management, it is not the lower management, it's the top management because they failed in their duty. Yes. To have a foresight. Yes. तो अब जो है अब हमने आई थिंक काफी इसके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन दे दी है और मेरे ख्याल कंक्लूजन के रिमार्क्स जो है वो शुड बी वेलकम नाउ. लेकिन प्लीज अगर मेरे ख्याल कितने मेरे ख्याल 5-7 मिनट रह गए हैं, कंट्रोल हो जाएगा. अब जो है मैं चाहूंगा कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो है वो आप प्लीज दें. सो आई विल स्टार्ट विद तिवारी साहब, प्लीज. बड़ा अच्छा डिस्कशन रहा and I think there were a lot of good points which came through the discussion itself, and but a lot remains to be done in the sense we have to kind of make sure that going forward we kind of take better care to start with itself so that the problem doesn't come to a point where they become a big problem finding a resolution becomes a tall task kind of a deal. So,
ये जो एक दिन की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो ओवर ओवर इयर्स हुए ही हैं ये. एंड सी पीपल मस्ट हैव सीन आल्सो, सो समवन गुफ्ड समवेयर. ठीक है, ओके. सिन्हा साहब, अब आपकी बारी. आप कहना है हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, और एचआर अगर प्राइवेट में इम्प्रूव करने की जरूरत है एचआर तो सरकार में भी इम्प्रूव करने की जरूरत है. एवरीथिंग इज पॉसिबल, और मुझे तो ये दिखाई देता है कि ये हम लोग जो अपने को रुड़की वाले कहते हैं, हमारे टाइम्स में सबसे ज़्यादा अंडरटेकिंग फेल हुई हैं, हमारे साथियों के द्वारा फेल हुई हैं, और चर्चा करवाइए उन लोगों से क्यों फेल हुई हैं, हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे और ऐसा भविष्य में ना हो तो उसका सोल्यूशन दे सके. डीएम गुप्ता साहब. हाँ देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पब्लिक सेक्टर भी जरूरी है सर्टेन स्पेसिफाइड डोमेन्स के लिए, क्योंकि हर जगह प्रॉफिट देखकर चीजें नहीं होती. देश में बहुत सारी असमानताएं हैं, और अगर जो पिछड़े इलाके हैं उनको भी ऊपर लाना है, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, वहां भी पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, तो उसके लिए अगर कोई प्राइवेट कंपनी नहीं आएगी तो सरकार को उसमें जाना ही पड़ेगा. जैसे मिलिट्री है, इट हैज टू बी विद द गवर्नमेंट. डिफेंस प्रोडक्शन हैज टू बी विद द गवर्नमेंट. स्पेस प्रोग्राम्स हैव टू बी विद द गवर्नमेंट. एटॉमिक रिसर्च हैज टू बी विद द गवर्नमेंट, राइट. सिमिलरली द लॉट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड द परहैप्स दे कुड बी इन जॉइंट वेंचर्स. वी ऑलरेडी हैव पीपीपी मॉडल in a lot of higher education already. Many triple ITs are working on PPP model. तो दोनों ही जरूरी हैं, और मैं समझता हूं कि अभी 15% के करीब शेयर है, तो 15 भी ठीक है, 12 से 15 के बीच में अगर रहता है पब्लिक सेक्टर का शेयर इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री तो ये ठीक ठाक होना चाहिए. लेकिन एक मैसेज जरूर है सबके लिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन या आदमी समय के साथ जो रिक्वायरमेंट है नहीं बदलेगा वो पेरिश हो जाएगा. तो ये जो है, ये था इस सेशन का जो कंक्लूजन इन तीन पैनलिस्ट की तरफ से. मेरा जो इसमें कंक्लूजन थोड़ा जो है वो पब्लिक की तरफ रहेगा, वो ये है कि ये जितने भी आप लोग रेटरिक्स और ये क्या कहते हैं लोगों की जो आवाजें सुनते हैं सोशल मीडिया पे या न्यूज मीडिया पे कि हाँ जी देश बेच दिया, ये बेच दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है. आपने जैसे सबका पैनलिस्ट का पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में टू एंड अगेंस्ट, फोर फॉर एंड अगेंस्ट आपने जो है आर्ग्यूमेंट सुने. तो इसमें क्या है कि जैसे डीएम गुप्ता साहब कह रहे थे और दूसरे भी उसमें थोड़ा बहुत सहमत है कि एक बैलेंस रखना है. 10-12-13% जो है वो प्राइवेट ये पब्लिक सेक्टर रहना चाहिए. कई ऐसे इलाके होंगे देश में जहां पे कि जो रिमोट जगह होगी उन इलाकों को भी आगे प्रोत्साहन देना है, और उसके लिए जो है शायद प्राइवेट सेक्टर जो है आगे ना आए. उसके बाद आपका डिफेंस हो गया, उसमें भी कुछ हद तक जो है वो गवर्नमेंट का हाथ होना चाहिए. ऑयल वगैरह जो हम लोग खरीद फरोख्त करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उसमें भी गवर्नमेंट का हाथ होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज अगर प्राइवेट प्लेयर्स आ गए उसमें तो वो फिर प्राइसिंग जो है वो डिसाइड करेंगे, एंड दैट कैन बी ए हैवी टोल ऑन द जनरल पब्लिक. तो हमारा जो मॉडल इस टाइम चल रहा है, ठीक है थोड़ा सा पब्लिक सेक्टर की तरफ थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जैसे डीएम साहब कह रहे थे धीरे धीरे अगर और कुछ कंपनीज जो है जो कि वायबल नहीं चल रही है, जिसमें टैक्स पेयर का पैसा जो है उसमें बर्बाद हो रहा है, वो जो चीजें जो है उनको अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाए और उनको प्रॉफिटेबिलिटी लाई जाए, तो इससे कि वो कंपेटिटिव रेट्स पे अच्छा सामान बना सके, तो वो जो है हम पब्लिक के लिए जो कंज्यूमर्स हैं, आप लोग जो ऑडियंस है इसमें जो देख रहे हैं, उनके लिए वो अच्छी चीज होगी. देश जो है वो कहीं नहीं बिक रहा, कोई किसी को देश बेच नहीं रहा है, ये सबका सब यहीं पे रहेगा, और जितना आपको अच्छे क्वालिटी का और सस्ते दामों पे आपको सामान मिलेगा उतना वो आपके लिए बेहतर है, चाहे वो पीएसयू से आए या प्राइवेट एंटरप्राइज से आए. तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, डीएम गुप्ता साहब का, तिवारी साहब का, सिन्हा साहब का, कि आपने बड़े अच्छे अच्छे तरीके से बड़े आराम से इस मुद्दे को जो है बड़े आराम से समझाया. एंड आई थिंक ऑडियंस विल ऑल्सो गेन ए लॉट फ्रॉम दीज इंफॉर्मेशन. सो अब मैं इसी उस पर समाप्त करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.